चीन और भारत के बीच में मई महीने से जारी गतिरोध अभी तक खत्म नहीं हो पाया। एलएसी पर दोनों देशों के बीच में अनबन जारी है और फिर गलवान में चीन ने निहत्ते भारतीय सैनिकों को जिस तरह धोखे से मारा, उसके बाद चीन के प्रति भारत का हर एक नागरिक आक्रोशित है। गलवान से तो चीनी सेना पीछे खिसकी है, लेकिन अभी तक बाकी जगहों पर से चीन को हटा पाने में भारतीय सेना को सफलता हासिल नहीं हो पाई थी, लेकिन अब लगता है कि चीनी सेना पीछे हटने को तैयार होती दिख रही है। तभी तो भारतीय सेना ने कहा है कि भारत और चीन पूरी तरह से सेना को हटाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। गुरुवार को जारी बयान में सेना के प्रवक्ता कर्नल अमन आनंद ने कहा, भारत और चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बनी स्थिति के समाधान के लिए सैन्य और कूटनीतिक चैनलों के माध्यम से बातचीत जारी कर रहे हैं। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के कमांडर्स और भारतीय सेना के बीच चुशुल में भारत की सीमा में चौथे दौर की बैठक हुई। सैनिकों के बीच में सिलसिलेवार बातचीत भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच 5 जुलाई को पूरी तरह सैनिकों को हटाने पर बनी सहमति के अनुरूप थी। सेना ने आगे कहा कि सीनियर कमांडर्स पहले चरण में सेना हटाने को लेकर हुई प्रगति और पूरी तरह सैनिकों को हटाने को लेकर आगे के कदम को सुनिश्चित करने पर इस दौरान चर्चा हुई और अब दोनों पक्ष पूरी तरह से सैनिकों को हटाने को लेकर प्रतिबद्ध हैं। ये प्रक्रिया जटिल है और इसके निरंतर सत्यापन की जरूरत है। वो कूटनीतिक और सैनिक स्तर पर नियमित बैठकें कर इस ओर आगे बढ़ रहे हैं। न्यूज एजेंसी एनआई के मुताबिक चीनी सैनिक पहले ही गलवान घाटी, हॉट स्प्रिंग और पेट्रोलिंग प्वाइंट 15 सहित अन्य विवादित स्थल में लगभग 2 किलोमीटर पीछे हट गए हैं। फिंगर 4 से फिंगर 5 से भी कदम वापस लिए गए हैं। आपको बता दें, चुशुल के भारतीय इलाके में भारत और चीन के कॉप्स कमांडर स्तर की बातचीत 14 जुलाई को सुबह 11:30 बजे शुरू हुई थी और 15 जुलाई को करीब 2 बजे खत्म हुई। 15 घंटे चली बैठक, जिसके बाद ही दोनों सेनाओं के पीछे हटने का फैसला लिया गया। लेकिन क्या चीन पर इस बात को लेकर भरोसा किया जा सकता है?